हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की। आपका चैप्टर नंबर 23 बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि जो श्वसन की क्रियाविधि है, जो एक्चुअल में श्वसन है वो होता कैसे है, किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और किस तरीके से CO2 जो है वो आपकी बॉडी से बाहर आती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे उसके बारे में। क्लियर है ना बेटा, आप लोगों को समझ में आया? इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में भी डायग्राम बताया था कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका श्वसन तंत्र है, वो किस तरीके का है, वो कैसे कार्य करता है। क्लियर है कौन कौन से अंग जो है बेटा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आ रहे हैं, कौन कौन से अंग वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं और उनका काम किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा श्वसन की क्रियाविधि के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। क्रियाविधि मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से शरीर में जा रही है और CO2 जो है वो किस तरीके से शरीर से बाहर आ रही है। क्लियर है ना बेटा, ओके। तो आज हम बात करते हैं क्रियाविधि के बारे में। जो मानव श्वसन की क्रिया है ना बेटा, वो दो ही चरणों में होती है। उसमें मेजर दो ही चरण होते हैं, एक तो होता है नी श्वसन, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है उच्च श्वसन, बाह्य श्वसन, ठीक है, एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो क्रियाएं होती हैं, दोनों के मैंने अलग अलग नाम बता दिए। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, यानी कि एक एक को लेते हैं, ठीक है। पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है नी श्वसन की, यानी अंत श्वसन। नी श्वसन, अंत श्वसन, नी से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन अंत से आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। अंत मतलब आंतरिक, यानी जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आ रही है, बॉडी के अंदर आ रही है, कहाँ आ रही है, बॉडी के यानी कि शरीर के अंदर आ रही है, ठीक है। आई बात समझ में, अंत, अंत मतलब अंदर की ओर, ठीक है। इसे आप लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हो या फिर इनहेलेशन भी बोलते हो, इनहेलेशन भी बोलते हो, ठीक है। इसे आप लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हो या फिर इनहेलेशन भी बोलते हो। क्लियर है ना, क्लियर है। नॉर्मली देखो क्या होता है इस केस में, नॉर्मली देखिएगा क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। वायु जो है जो CO2 है, सॉरी वायु जो है जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, CO2 की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। वायु मतलब अंदर बन जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर प्रवेश कराना, ठीक है। वायु यानी कि ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना क्या कहलाता है, नी श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, नी श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब इस केस में बेटे देखिएगा, आगे आप लोग बात कीजिएगा क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात। ये एक सक्रिय अवस्था है। सक्रिय अवस्था क्यों बेटा, क्योंकि जब कोई भी चीज इंटरनली जा रही है तो उसमें एनर्जी लग रही है, उसको पहुंचाना होता है ना बेटा। आप लोग देखो, अगर आप लोग मैं बात करूं कि हम लोग स्ट्रेस चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सक्रिय अवस्था है, आप लोग जा रहे हो, वापस अगर आप लोग किसी भी स्लोप से वापस आ रहे हो तो निष्क्रिय अवस्था, आप लोग आराम से दौड़ते हुए आते हैं। तो इस केस में देखो क्या होता है कि एक सक्रिय अवस्था है। कैसी अवस्था है, सक्रिय, जो डायफ्राम और बाह्य अंतरकोशिक पेशी, एक्सटर्नल इंटरकोशिक मसल्स होती है बेटा, आप लोग केवल नाम याद रखना। डायफ्राम को वैसे तनुपट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, तनुपट, क्या बोलते हैं, तनुपट, ठीक है। तो डायफ्राम और इंट्रापार्श्व पेशी जो है उसकी संकुचन बेटा कॉन्ट्रेक्शंस, सिकुड़ना, ठीक है, संकुचन से प्रारंभ होगी। अब होगा क्या वो सुनिएगा भाई, हमें पता है फेफड़ों के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, और फेफड़ों के अंदर यहाँ पर क्या होती है, अंतरापार्श्व पेशी होती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब डायफ्राम सुखड़ेगा तो डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जो अंतरापार्श्व पेशी है, पसलियों के अंदर जो यहाँ पर पेशियां है, वो जब सिकुड़ेंगी तो वो क्या करेंगी, वो सिकुड़ेंगी तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठा देंगी पसलियों को। अब जब वो सिकुड़ती है, पसलियों को ऊपर की तरफ उठाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ गया, तो इससे जो आपकी चेस्ट कैविटी है इसका आयतन बढ़ जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, फेफड़े फैलने लगेंगे। अब फेफड़े फैलेंगे तो जो वायु का दबाव था, वायु का जो दाब था, वायु का दाब कम हो जाता है किसकी तुलना में, बाहर जो वायु का दाब है, बाहर जो ऑक्सीजन का वायु दाब है उसकी तुलना में फेफड़ों के अंदर वाली ऑक्सीजन का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब जैसे ही कम हुआ, जैसे ही कम हुआ तो फटाक से क्या करेगा फेफड़े, क्या है कि अपना संतुलन बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा क्या लिखा है, नोट्स के रूप में मैंने लिख दिया है। हालांकि अगर आप लोगों को नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहता हूं कि ये आप लोगों के जो वीडियोस में आ रहे हैं नॉर्मली ये नोट्स ही है बेटा, ठीक है ना। आप लोग इन्हें पॉज करके लिखते जाइए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या हो रहा है कि संकुचन के समय, अब संकुचित तो हो गए, संकुचन के समय जो डायफ्राम है वो चपटा होकर, बेटा एक क्वेश्चन आता है कि संकुचन के समय डायफ्राम की या इनहेलेशन के समय डायफ्राम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, चपटा हो जाता है इस तरीके का, ठीक है। अब चपटा हो गया, चपटा होकर नीचे पेट की तरफ खिसक जाता है, उधर गुहा में नीचे की तरफ खिसक जाएगा, क्लियर है ना, कहां जाएगा उधर गुहा में नीचे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। जिससे अब उसके कारण होगा क्या, जो आपकी वक्ष गुहा है, चेस्ट कैविटी है ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। भाई अब जो डायफ्राम यहां तक था, अब वो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ खिसक गया, तो इतना एरिया बढ़ा ना, इतना एरिया बढ़ा तो अब उसका आयतन बढ़ गया, साथ साथ अब उसके साथ साथ भाई जब इसने आयतन बढ़ाया ये नीचे की तरफ गया, तो जो अंतरापार्श्व पेशी है यानी जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी क्या संकुचित हो जाती है, और संकुचित हो गई तो पसलियां क्या ऊपर की तरफ उठ जाती है, पसलियां क्या ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब पसलियां ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, यानी दोनों के कारण जो वक्ष गुहा का आयतन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा यानी कि जो चेस्ट कैविटी है, वक्ष गुहा क्या है बेटा, चेस्ट कैविटी, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो फेफड़ों में जो वायु का दाब है, कहां पर वायु का दाब बेटा, फेफड़ों में, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब वो कम हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप जो वायु है वो शरीर में प्रवेश कर जाती है, वायु जो है वो कहां प्रवेश कर जाती है, शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब वायु दाब कम हुआ, बाहर वायु दाब ज्यादा है, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेने के लिए यानी कि साम्यावस्था में आने के लिए क्या होगा कि बाहर से वायु, जो वायु है ऑक्सीजन है वो कहां आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, ताकि शरीर के अंदर का और बाहर का जो दाब है वो एक समान हो जाए। अब जैसे ही, अब सुनना मेरी बात, क्यों होता है अंदर प्रवेश, वायु दाब में अंतर हो गया बहुत बड़ा, अब अंतर होने के कारण जो वायुमंडलीय वायु है यानी कि जो बाहर की है ये कहां पर होती है, आउटसाइड, जो बाहर की तरफ है, वो श्वसन मार्ग के द्वारा, किसके द्वारा, श्वसन मार्ग के द्वारा होती हुई वायु कोपिकाओं में, वायु कोपिकाएं होती है बेटा एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक में तेजी से आ जाती है, यानी उसमें आकर क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने से क्या है कि दोनों का जो वायु दाब है वो समान, कब तक बढ़ेगी, जब तक जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, जो बाहर का और अंदर का एटमोस्फेरिक प्रेशर है, सुनिए आई बात समझ में, जो वायुदाब है वो वायुदाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, बराबर हो जाए, लेकिन दोनों ऑक्सीजन का दाब जो है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना। अब भाई ये किस तरीके से आती है, कहाँ कहाँ से आती है, तो सबसे पहले वायु एंटर करती है आपके, यानी कि जो ऑक्सीजन है एंटर करती है कहाँ पर, नासा द्वार में, फिर नासा गुहा में, फिर आंतरिक नासा छिद्र में, ग्रसनी और घांटी के द्वारा होती हुई श्वास नली श्वसनी, मैंने आपको बताया था श्वास नली होती है आपकी ट्रेकिया, श्वसनी यानी कि जब ट्रेकिया फेफड़ों में एंट्री करने के लिए दो भागों में बट जाए, श्वसनी, ठीक है, और जब फेफड़ों में अंदर वायु कोपिकाओं में एंट्री करने के लिए बहुत पतली पतली ट्यूब्स बन जाती हैं, उन्हें आप लोग श्वसनिकाओं बोलते हैं, ठीक है, श्वसनिकाओं से कोपिका वाहिनी, वहां से वायु कोपिका कोष और एंड में वायु कोपिका में जाकर जमा हो जाती है, और यहां से कौन कैरी करेगा इसको, ब्लड, यहां से कौन कैरी करेगा, ब्लड, खून, और खून के द्वारा होती कहां तक जाती है, कोशिकाओं तक जाती है, और अब ब्लड की जो होती कहां जाएगी, वो सेल्स तक जाएगी, कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सुनिएगा मैं आप लोगों को हालांकि बता रहा हूं, आप लोग पढ़ चुके हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद वो क्या बनेगी, एनर्जी बनाएगी, अब एनर्जी प्लस CO2, अब क्या होगा, दूसरा वाला जो सेशन होगा उसमें CO2 शरीर से बाहर आएगी, यानी ऑक्सीजन तो अंदर आ गई, ऊर्जा बनाई, ठीक है, फूड के ऊपर वर्क किया, एनर्जी बनी, एनर्जी स्टोर हो गई, लेकिन CO2 तो वेस्ट है ना बेटा, गैसियस वेस्ट है, ठीक है, अभी CO2 बाहर आएगी, वो कैसे आएगी अभी बता, ठीक है, वो किस तरीके से आएगी अभी देखते हैं, वो आएगी बेटा उच्च वसन के तरीके से, किससे, अब जो CO2 बनी बेटा यानी ऑक्सीजन अंदर एंट्री कर गई
ऑक्सीजन एंट्री करने के बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में गई, कोशिका में गई, माइटोकॉन्ड्रिया में गई, मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, फूड को उसे तोड़ा, भोजन को तोड़ा, और तोड़ने के बाद क्या करेगी वो ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी और CO2 बना लेगी। आई बात समझ में? अब ऑक्सीजन नहीं बनाया, आगे क्या होता है वो देखिएगा, जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका विपरीत है, कई बार अंतर भी आता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग कहीं ये सोचो कि सर घबरा रहे, आप लोग बिल्कुल ये जो है ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे होता है सुनिएगा, उच्च अवस्था से बेटा आप एक्सपायरेशन भी बोलते हो, एक्सपायरेशन यानी कि बाहर निकलना, और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन होता है कि अच्छा गैस को इनहेल और गैस के अंदर आने के लिए इनहेल और बाहर जाने के लिए एक्सहेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, शरीर की उपापचय क्रियाएं, अब उपापचय क्रियाएं क्या है, मेटाबॉलिक रेट्स, यानी जो फूड है, अब फूड को तोड़ा किसमें, एनर्जी में, और किसमें तोड़ा, एटीपी में ना, ठीक है। अब फूड का ब्रेकडाउन किया, एनर्जी एनर्जी किस फॉर्म में बनी, एटीपी में प्लस CO2 में। तो उपापचय क्रियाओं के द्वारा फूड को ब्रेकडाउन होने के बाद में ऑक्सीजन ने फूड के ऊपर वर्क किया, एनर्जी बनी, एनर्जी तो काम आ गई, ठीक है। लेकिन लेकिन अब एनर्जी के अलावा बेटा CO2 बना, अब ये CO2 क्या होगा, CO2 को अब देखो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित CO2 को फेफड़ों के माध्यम से, अब भाई सबसे पहले कहां आएगा CO2 का आने का मार्ग, अगर हम लोग देखें तो सेल, सेल से कहां आएगी, ब्लड में आएगी, ब्लड से किस में आएगी, लंग्स में आएगी, फेफड़ों में। अच्छा फेफड़ों में वही वायु कुपिकाओं की तरह होती है, लेकिन जो एरो है उल्टे लग जाएंगे, ठीक है, यहां आपकी जो एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं, एरो बाहर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो CO2 इसका अपोजिट मार्ग होता है, यानी कि ये यहां से सेल से चलना स्टार्ट करेगी, ओके। अब क्या CO2 जो है फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर आना, फेफड़ों में आके पहले कलेक्ट हो गई और उसके बाद में वो क्या है शरीर से बाहर आती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, उच्छ्वासन बोलते हैं, यानी कि एक्सहेलेशन बोलते हो, ठीक है, एक्सहेलेशन उच्छ्वासन या बाहिश्वसन बोलते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली जो आप रेस्टिंग फेज में आराम कर रहे हो तो ये निष्क्रिय अवस्था होती है, भाई धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे निकल रही है, ठीक है। इसमें होता क्या है, यह कॉन्स्टेंटली इसके बाद ही होगी, निश्वसन के बाद होती है। इसमें क्या होगा भाई, जब वहां पर तो क्या था कि जो डायफ्राम है संकुचित हो रहा था, अब संकुचित होगा तो क्या होगा भाई, वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा, ऑक्सीजन अंदर ग्रह आ जाएगी। अब इसमें क्या है, डायफ्राम जो है ना बेटा वो फैल जाता है, शिथिलित हो जाता है, फैल जाता है। अब जैसे ही फैलेगा, अब पहले नीचे की तरफ था, फैलकर वो ऊपर की तरफ आया, ठीक है, और अंतरापरशुक पेशियां है वो भी फैल गई। फैलने के बाद क्या है कि फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कि ये डायफ्राम है वो भी वक्षगुहा के ऊपर की तरफ आ जाएगा, और फेफड़ों के ऊपर ये भी दबाव होगा, इससे जो आपकी चेस्ट कैविटी है वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। आई बात समझ रहे, बुक में लिखा हुआ है कि वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है, मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी वक्षगुहा है या फेफड़े हैं वो पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, भाई फैल जाते हैं, क्लियर है ना। अब ये पुनः उसी अवस्था में आ गई तो उससे क्या होगा, नॉर्मली जो वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, फेफड़ों में वायु का दाब बढ़ जाता है और बाहर की तुलना में क्या होगा, बाहर कम होगा और अंदर बढ़ेगा, तो अब वायु क्या करेगी, अंदर से बाहर की तरफ आएगी। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यह क्रिया निश्वसन के पश्चात होती है, जो डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापरशुक पेशी के शिथिलन से प्रारंभ होती है। शिथिलन मतलब अब वो सिकुड़े थे वो क्या हो गए, फैलने लग गए, वो क्या हो गए, फैलने लग गए। अब जब वो फैलेंगे, जब डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशी में स्थिरन होता है यानी वो फैलने लग गए, तो पसलियां स्वयं, अब भाई जो पसलियां हैं अपने बाहर से वापस नीचे रहती है, इनमें वजन बहुत ज्यादा होता है, पहले तो ऑक्सीजन थी तो वो क्या हो गया, वजन उसने सहन कर लिया और पसलियां ऊपर ही रही। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, वो चली गई यहां से लंग्स से के थ्रू, कहां चली गई, ब्लड के थ्रू होती हुई वो सेल्स तक चली गई, फेफड़े खाली है, तो वो क्या हो जाएगा, वापस पसलियां अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। अब जैसे पसलियां नीचे आई तो साथ साथ डायफ्राम जो है वो भी ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ उठेगा तो वक्षगुहा का आयतन जो है आपकी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और कम होने के कारण फेफड़ों का जो वायुदाब है वो वायुमंडलीय वायुदाब की तुलना में, फेफड़ों का जो वायुदाब है वो किसकी तुलना में, वायुमंडलीय वायुदाब की तुलना में बढ़ जाता है, जिससे फेफड़े संपीड़ित अवस्था में रहते हैं, यानी कि एकदम कॉन्ट्रैक्टाइल स्पेस में आते हैं,
और जो वायु है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा अंदर वायु का अधिक है और बाहर कम है, तो हमें तो क्या करना है, साम्यावस्था लेनी है। शरीर में हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की फेस आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो उस केस में बेटा क्या होगा कि फेफड़े जो है उनसे CO2 बाहर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने एक स्टार पढ़ाया, काफी बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग बात करें व्यायाम की, ठीक है, व्यायाम की बात करें या शारीरिक श्रम की बात करें, तो व्यायाम और शारीरिक श्रम के समय जो उच्छावसन की दर है, यानी जो एक्सेलेरेशन की रेट है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि इस समय जो आपकी अंतरपार्श्व पेशी है ना बेटा, वो क्या करेगी, तेजी से, बहुत तेज गति से संकुचन होता है। आप लोग देखो ना, आप लोग देखते हो कि जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, वो पेशी में संकुचन बहुत तेज गति से होता है, ठीक है, और पसलियों को नीचे की तरफ खींचेगी। अब नीचे की तरफ खींचेगी तो उधर गुहा की पेशियां भी बहुत तेजी से संकुचित होती है और डायाफ्राम को तेजी से ऊपर की तरफ आने लगता है। अब वो ऊपर की तरफ आएगा तो वक्षगुहा का आयतन भी बहुत तेज, यानी इन शॉर्ट जब आप व्यायाम करते हो तो उस केस में जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वायु जो बलपूर्वक बहुत तेज गति से बाहर की तरफ निकलने लग जाएगी, और इसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, उच्छावसन, ठीक है। और विश्राम अवस्था में बेटा श्वसन दर जो है वो 16 से 20 श्वास प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 16 से 20 श्वास। अगर आप नवजात की बात करें, नवजात बच्चे के अंदर तो 30 से 40 श्वास और इवन 50 से ऊपर श्वास भी होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि नॉर्मली इस केस में आप लोगों को क्या होता है कि इतने श्वसन दर के अंदर बच्चे को क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों का श्वसन की क्रियाविधि कंप्लीट, ठीक है।